सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू टेक रिवील। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइनली रियलमी ने लॉन्च कर दिए हैं अपने दो नए स्मार्टफोन, जो कि है रियलमी 3i एंड रियलमी X के नाम से दो लेटेस्ट स्मार्टफोन। और गाइस, इन दोनों स्मार्टफोन्स की आपको अनबॉक्सिंग यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगी। आप बहुत सारे टेक कैटेगरी के यूट्यूबर से आके वीडियोज देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मोस्टली हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी 3i स्मार्टफोन के बारे में। आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो आपको पहले मिल जाएगी, तो स्पेसिफिकेशन बताने का यहाँ पे कोई मतलब बात नहीं होती। लेकिन इसको गाइस हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में रियलमी 3 स्मार्टफोन से, और बताएंगे आपको कि इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कितना कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो वीडियो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना। सो हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग टेक रिवील। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं Realme 3i एंड Realme 3 स्मार्टफोन के कंपैरिजन, और आपको बताते हैं कितना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है आपको इन दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको दो ही चीज में, वो मिलेगा आपको यहाँ पे पावर में, और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा प्राइस में। तो वीडियो में आप लोग खुद ही आगे मतलब देखते रहिए, आप खुद पता चल जाएगा यहाँ पे आपको इन दोनों में डिफरेंस आपको कैसे देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस, मैं बात करूं सबसे पहले डिस्प्ले से, यहाँ पे गाइस आपको Realme 3 में एंड Realme 3i में जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है गाइस, वो मिलती है 6.2 इंचेस की HD प्लस IPS डिस्प्ले विद रिजोल्यूशन के साथ में। इसके साथ में आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर होता है आपका सेल्फी कैमरा। बात करूं पिक्चर क्वालिटी की, वीडियो क्वालिटी की, या फिर बात करूं यहां पे गेम प्ले मोड की, यहां पर ये तीनों ही चीज में आपको जो डिस्प्ले है वो बहुत ज्यादा ही डिसेंट, बहुत ज्यादा ही क्वालिटी वाइज एंड बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव देखने को मिलती है। यानी यहां पे आपको पिक्चर की क्वालिटी ले लो, या फिर वीडियो की क्वालिटी ले लो, या फिर मोस्टली ले लो गेम की क्वालिटी, यहां पे आपको जो आपका डिस्प्ले है ना, वो पूरा पूरा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एंड वाइटर रोल निभाता ही है। यहाँ पे कह सकते हो कि डिस्प्ले बहुत ज्यादा ही बेटर है। इसके अलावा गाइस, मैं बात करूं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, दोनों ही स्मार्टफोन में Realme 3 में एंड Realme 3i में आपको देखने को मिलता है 4230 mAh की बैटरी, 4230 mAh की बैटरी आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। इसके साथ में आपको डब्बे के अंदर मिलता है 10 वाट का चार्जर, जो कि आपको Realme 3 में एंड Realme 3i में दोनों में ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस, मैं बात करूं यहाँ पर कैमरा की, कैमरा गाइस यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ में आपको सेल्फी कैमरा भी मिलता है। जो जाहिर सी बात है, मैंने डिस्प्ले वाले पार्ट में बताया कि वो मिलता है आपको आपका नॉट स्क्रीन के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे आपको जो मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप की बात करूं रियर साइड से, तो यहाँ पे आपको मिलता है दोनों स्मार्टफोन में 13+2 मेगापिक्सल की रियर साइड, जो कि होता है आपका एक मतलब कह सकते हो कि आपका बेस्ट रियर कैमरा सेटअप है आपके फोटोज को क्लिक करने के लिए, या फिर बात करो और भी चीजों के लिए। तो यहाँ पे आपको जो 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो रियर साइड से दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस, मैं बात करूं यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, सेल्फी कैमरा भी यहाँ पे आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, जो होता है आपका वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के वाले कैमरे में होता है इसके अंदर, और साथ ही ये मिलता है आपको Realme 3 में एंड Realme 3i स्मार्टफोन में। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको आपको सेम टू सेम लगभग यही चीज देखने को मिल जाती है। यहां पे गाइस, मैं बात करूं अगर यहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की, यहां पे दोनों स्मार्टफोन में आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, और दोनों ही में आपको फिजिकली ओवरव्यू टच देखने को मिलता है, और साथ में क्वालिटी बिल्कुल ज्यादा फास्ट, बिल्कुल ज्यादा ही बहुत बहुत ज्यादा बेटर है यहां पे देखने को मिलती है। यानी डिफरेंस यहां भी नहीं है। यहाँ पे बात करूँ डिजाइंस की, तो डिजाइंस में यहाँ पे आपको बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस, मैं बात करूँ अगर Realme 3 में, तो यहाँ पे आपको ग्लास बॉडी डिजाइन देखने को मिलती है, जो कि एकदम शाइनिंग सरफेस के साथ में आता है, एंड कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा हमें फीलिंग देखता है, मतलब ग्लासी लुक जैसा ही। और इसके अलावा गाइस, मैं बात करूँ अगर Realme 3i में, तो ये आता है आपका बेस्ट ग्रेडियंट टेक्सचर्स के साथ में, जो कि बहुत ज्यादा ही आजकल ट्रेंड्स में चल रहा है। और अगर आप लोगों ने इसके लुक्स एंड ओवरव्यूज देखे हो, तो यहाँ पे ये ज्यादा से ज्यादा शो कर रहा है अपने डायमंड कट को, जो कि बहुत ज्यादा ही लुकअप में बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है, जब ये लुकअप में इतना अच्छा, तो जब आप इसको हाथों में लेंगे तो कितना अच्छा फील करता है। तो Realme 3i स्मार्टफोन में गाइस मोस्टली ये चीज देखी गई कि यहां पे जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके जो बैक साइड जो बॉडी डिजाइन है, इसकी वजह से ये स्मार्टफोन में लगभग कह सकते हो पूरा का पूरा चार चांद लग चुका है। इसकी वजह से ये स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा है। यहां पे अगर मैं बात करूं इन सब चीजों के अलावा, प्रोसेसर जिसके बारे में मैंने बात नहीं की इस पूरे स्पेसिफिकेशन के दौरान में, तो गाइस यहां पे अगर मैं बताऊं, यहां पे आपको Realme 3i में देखने को मिलता है मीडियाटेक हीलियो का P60 का प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको Realme 3i में। इसके अलावा यहां पे आपको Realme 3 में देखने को मिलता है मीडियाटेक हीलियो P70 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो यहां पे आपको समझ चुके हो, P60 एकदम जेन्युइन न्यू प्रोसेसर है, और P70 जो कि यूज हो चुका है Realme के U1 स्मार्टफोन में भी। यहां पे डिफरेंस जो है ना गाइस, वो मतलब बिल्कुल ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जो डिफरेंस है, मैंने पहले बताया था आपको पावर में और प्राइस में, इन दोनों का जो प्राइस है गाइस, प्राइस में मैं आपको हमेशा बताता हूँ अपने मतलब इंटरनल स्टोरेज वाले पार्ट में, जो मैं आपको बताता हूँ कि रैम और इंटरनल स्टोरेज कितना देखने को मिलता है।
यहाँ पे गाइस जो आपको मिलता है मतलब दो वेरिएंट्स में आपको दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, 3GB RAM एंड 32GB RAM इंटरनल स्टोरेज इसमें भी मिलता है Realme 3 में भी एंड Realme 3i में भी। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4GB RAM एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है यहाँ पे आपको Realme 3 में एंड Realme 3i में भी। तो गाइस यहाँ पे जो आपको प्राइस रेंज देखने को मिल जाएगी ना वो लगभग तो लगभग सेम ही देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ बेस वेरिएंट के हिसाब से तो यहाँ पे आपको गाइस आपको Realme 3i, जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हो तो वहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जो उसके एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 6000 से लेकर 9000 के करीबन में वाले, तो जाहिर सी बात है ये 8000 का रेंज का मोबाइल है और ये 8000 के अंडर ही रिलीज हुआ है गाइस। तो यानी कि अगर आपको जो बेस वेरिएंट है 3GB RAM एंड 32GB वाला इंटरनल स्टोरेज वो मिलेगा आपको 8000 के अराउंड में। इसके अलावा अगर आप कुछ और परचेस करते हैं जैसे कि 4GB एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज तो लगभग ये आपका 9000 या 10000 का लगभग पड़ सकता है, मतलब ये आपका एक्सटर्नल वेरिएंट के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर Realme 3 स्मार्टफोन में तो गाइस यहां पे आपको जो बेस वेरिएंट है वही सिर्फ पड़ता है आपका 9000 रुपए का। इसके अलावा जो आपका अदर वेरिएंट है वो 11000 रुपए का पड़ जाता है। तो गाइस यहां पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1000 रुपीज का ही है और यहां पर जो चीजें है ना वो लगभग टू लगभग कॉमन है। यहां पे मैंने चाहे डिस्प्ले से हर चीज के लिए बात कर लो तो मैंने आपको इंट्रो से ही पार्ट में हमेशा की तरह जोड़ दिया कि यहां पर आपको पावर और यहाँ पे प्राइस इसी की वजह से थोड़ा डिफरेंस है, यानी पावर में P70 मिलता है आपको Realme 3 में एंड Realme 3i में देखने को मिलता है P60। बत्तीस डिफरेंस है, डिजाइंस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगे मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे Realme 3i में। बात आती है गाइज यहाँ पे ओपिनियन की, मेरे क्या ओपिनियन दोनों स्मार्टफोन के लिए, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। यहाँ पे बिल्कुल भी ये कोई बात नहीं कि मैं Realme 3 को सपोर्ट करूँ, Realme 3i को स्मार्टफोनों को सपोर्ट करूँ, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन एक ही कंपनी के एक ही ब्रांड के लिए है और जाहिर सी बात है कंपनी भी खुश होगी कि यहाँ पे आपको ऑनेस्ट सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो गाइस यहां पे अगर आप लोग चूज करते हो अपने हिसाब से कि आपके लिए कौन सा बेटर है तो मैं आप इसे सुनूंगा आप लोगों के लिए Realme 3i स्मार्टफोन जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है कल की डेट में। तो यहां पर आप लोगों के लिए इसलिए बेटर है क्योंकि यहां पे आपको सब चीज कॉमन देखने को मिलती है और यहां पे जो आपको सबसे अच्छी चीज देखने को मिलेगी ना गाइस वो मिलेगी यहां पे आपको बेस्ट डिजाइन, जिसकी वजह से जो आपका फोन का लुकअप है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पे आपको स्पेसिफिकेशन भी लगभग लगभग सेम देखने को मिलती है और जो आपका गेम एक्सपीरियंस है वो भी काफी काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। सो गाइस बस आज की वीडियो फिलहाल नहीं, जिसे मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बताने की Realme 3i वर्सेस Realme 3 स्मार्टफोन वीडियो कैसा लगा गाइस। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे टेक रिवील चैनल को और स्टे ट्यून्ड रहना इसी मतलब YouTube चैनल पे, जहां पे आपको लेटेस्ट टेक न्यूज, लेटेस्ट कंपैरिजन जैसे वीडियोस, लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन जैसे वीडियोस मिलती रहती हैं। सो गाइस बस मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे स्पेसिफिकेशन, टेक न्यूज एंड कंपैरिजन जैसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय, देखते रहिए टेक रिवील।